नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जो कि आपको अपने YouTube चैनल पे करने चाहिए। बहुत लोग हैं कि इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, बाकी में उनको इस चीज का खामियाजा भरना पड़ता है अपने चैनल को डिलीट करवा करके, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स है जिसके चलते आपके चैनल का ग्रोथ जो है वो मायने रखता है। तो आपको ये कुछ सेटिंग्स कर लेने चाहिए जो कि मैं आज आपको बताऊंगा, और ज्यादा नहीं, चंद सेटिंग्स हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों पर। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो नॉलेज से भरा हुआ है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमारा सेटिंग्स आता है वो आपको चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप अपना चैनल ओपन करते हो तो सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है, जनरल से चैनल पे जाना है, और उसके बाद आपको जाना है बेसिक पे। तो वहां पर आपको मिलेगा कीवर्ड्स लगाने का। जी हाँ, कीवर्ड्स, चैनल कीवर्ड्स। चैनल कीवर्ड्स लगाने से क्या फायदा होता है, जैसे आपका चैनल टेक से रिलेटेड है तो आप अपने चैनल पे बताते हो यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वीडियोस, तो वहां पर आपको पहले तो अपना चैनल नेम डालना चाहिए दो तीन बार। जैसे मेरा नाम टेक्निकल अनुपम राजपूत है तो मैं डालूंगा टेक्निकल अनुपम राजपूत, अनुपम राजपूत, टेक्निकल अनुपम, अनुपम टेक्निकल राजपूत। तो जो भी अगर कोई ऐसा सर्च करेगा तो मेरा चैनल उसके सामने पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद हाउ टू ग्रो मोर वीडियोस, इस तरह करके मैं अपने चैनल डालूंगा, या फिर जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनका नाम डालूंगा चैनल्स के नीचे, या उनके वीडियोस के नीचे मेरा चैनल भी सजेस्ट करेगा, मेरी वीडियोस भी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको अब उसी के अंदर, उसके आगे बढ़ते हैं। फिर आपको जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे, फिर जाना है आपको जनरल से सेकंड ऑप्शन चैनल्स पे, एंड वहां पर आपको कर लेना है अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आप लोग देखना और उसके बाद करना। तो आपको कर लेना है अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने से क्या होगा, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, और कंटेंट आईडी क्लेम मिल जाएगा, मतलब कि कॉपीराइट टूल, मैच टूल मिल जाता है, या फिर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा जैसे लाइव स्ट्रीम करने मिल जाएगा। तो ये सारा चीज आपको देखने के लिए मिल जाता है। तीसरा जो आपको है, जैसे फिर आपको जनरल पे जाना है या सेटिंग्स पे जाना है, जो आपको सेटिंग्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है तो मैं ऐसे बता रहा हूं। तो आप यहां सेटिंग्स पे जो भी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, तो यहां पर एक ऑप्शन आता है नॉट मेड फॉर किड्स या मेड फॉर किड्स, तो ये चीज आपको सेट कर लेना है। जैसे आपका टेक चैनल है तो टेक चैनल आपको नॉट मेड फॉर किड्स रख देना है। तो इससे भी आपको फायदा होगा कि आपके चैनल जो है बच्चों के पास नहीं जाएंगे, बड़ों के पास जाएंगे। अब सेटिंग्स आते हैं, तो यहां पर आपको जाना है बेसिक कस्टमाइजेशन पे। कस्टमाइजेशन पे जाने के बाद आपको यहां पर जाना है अपने चैनल पे, और यहां पर जो छोटा सबसे तीसरा ऑप्शन है, यहां पर आपको ब्रांडिंग कर लेनी है। ब्रांडिंग का मतलब होता है एक लोगो ऐसा लगा दो, जब भी कोई वीडियोस आप डालो तो वो ब्रांडिंग खुद ब खुद लगी रहे, आपको एडिट ना करना पड़े हर बार किसी वीडियो में। जब भी कोई जुड़ाएगा या फिर लेगा तो आप उस ब्रांडिंग के तौर पर देख के पहचान सकते हो कि ये आपकी वीडियोज है, ठीक है। तो ये सारा चीज कर सकते हो। बैनर, फिर आपको बैनर्स वाले सेटिंग्स में जाना है। बैनर पे जाने के बाद आपको वहां पर अपने जो सोशल मीडिया के लिंक लगाने वो लगा देना। यही कुछ सेटिंग्स थे जो कि आपको अपने चैनल्स के अंदर कर देनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आज के टाइम पर, और लोगों को ये सेटिंग्स मतलब कि करते नहीं है। तो एक लास्ट ऑप्शन जो है सेटिंग्स का, वो मैं आपको दिखा दूं। यहां पर आप दो चीज देख सकते हो, क्रिएटिव कॉमन और स्टैंडर्ड लाइसेंस। तो ये चीज क्या है, क्रिएटिव कॉमन का मतलब होता है जब आप ये चीज सेटिंग कर देते हो क्रिएटिव कॉमन पे, आपके वीडियोस पे जाके आप अपना सेट कर लेते हो क्रिएटिव कॉमन या स्टैंडर्ड लाइसेंस। तो क्रिएटिव कॉमन का मतलब होता है कि आपका वीडियोस कोई भी यूज कर सकेगा, ठीक है। जब स्टैंडर्ड लाइसेंस का होता है, जब वो व्यूज जब कोई दूसरा यूज करता है तो वो चीज आप उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक उसको दे सकते हो, पर क्रिएटिव कॉमन रहेगा तो वो कोई भी यूज करे आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे सारे सेटिंग्स। कैसा लगा वीडियो जाके लाइक करना, वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को भी शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आवाज ठीक नहीं आ रही थी तो मेरा माइक टूट चुका है, मतलब कि खराब हो गया, तो इसलिए हेडफोन लगा के कर रहा हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।